क्या नाम है आपका? हमारा नाम जी बबलू हरवार ददौनिया। क्या 6 बजे सुबह के बैठे, 6 बजे सुबह के, अभी दतौन मंजन नहीं किया ना खाना खाया, और लाइन में लगे ना, 2 बार गिर गए, हाथ पांव खुतल गए, ना खात में लता। तो क्या आगे बार की आप लोग बैठ गए हैं, कब तक ही बैठ पर? सारी रात बैठ भी। तो कहाँ सड़क पर बैठ गए हैं, कैसे क्या कर रहे हैं? सड़क पे आंदोलन कर भी हम तो खाद की मांग है आप? खाद की मांग है हमको। क्या नाम आपको? अमना। कहाँ के? ददौनिया। क्या परेशानी हो रही है आपको? खाद नहीं मिला, हमारी किसानी पूरी पड़ी है, परेशान में है। कितनी बार आए खाद लेने के लिए? क्या हुआ? 4-5 बार आए। अब क्या कर दी आपने? सड़क जाम कर दी। अभी खाद कहाँ मिल रहा है? हमारा नाम मनमोहन पटेल है, जमटली से आए हैं। किस तरह का ये प्रदर्शन किया जा रहा है? ये प्रदर्शन आज सुबह 10 बजे से चल रहा है, जिसमें किसान यहाँ पर लगभग 1 महीने से परेशान है खाद के लिए। लेकिन यहाँ पर पिछले विधानसभा का चुनाव पृथ्वीपुर में हुआ, लगातार CM साहब आते हैं, बोले खाद बहुत पर्याप्त में है, और जिला कलेक्टर महोदय हर बार बोल देते हैं, न्यूज़ में निकल जाता है, खाद बहुत पर्याप्त में मिल रहा है किसानों को। लेकिन जब यहाँ आपका, आप देखिए, आप लोग यहाँ पर पूरा भारत देख रहा है, पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है, किसान किस प्रकार से परेशान है। यहाँ रोज़ सुबह 3 बजे आ जाते हैं, रोज 2-2 हज़ार किसान अभी लाइन में लगे हुए हैं, जिसमें 80 साल की वृद्ध महिलाएं जो गिर गिर के परेशान है। और मैंने देखा 2-3 के हाथ पैर टूट गए यहाँ पर लगे हुए, है ना। एक काउंटर पर सिर्फ खाद दिया जाता है बस, और बाकी ब्लैक में पूरा रात में निकल जाता है खाद। हम लोग परेशान है बहुत। हम लोग जब तक डले रहेंगे, पड़े रहेंगे यहाँ पर, जब तक हम लोगों को खाद नहीं मिल जाता है। रोड जाम कर दिया हम लोगों ने, इसके पहले रोड पर जाम किया था, लेकिन SDM साहब आए थे, उन्होंने समझा दिया, लेकिन उनको समझ में नहीं आया, बस चले गया। फिर किसानों के साथ वही हुआ। सर, हम चाहते हैं बस हम लोगों को खाद मिल जाए, और हमारी कोई मांग नहीं है सरकार से, ना जिला कलेक्टर महोदय से, ना प्रशासन से, बस खाद चाहिए। अभी यदि खेती हम लोगों की नहीं बोएगी, बुवाई नहीं होगी, तो जिसका खामियाजा सरकार को नहीं, पूरे भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इतनी महंगाई बढ़ जाएगी, अभी इतनी महंगाई पड़ी हुई, इसे डबल महंगाई हो जाएगी।